ओके मित्रों, आज आप अनंत लंबाई विद्युत भारित तार ने कारण उद्भवतु विद्युत क्षेत्र कई रीते मेड़ी शकाय एना विषे भणशू। तमने आकृति एनी अंदर एक अनंत लंबाई विद्युत भारित तार बतावेलो छे। ई तार थी स्मोल आर अंतरे पी बिंदु पासे आपणे विद्युत क्षेत्र मेळवू छे। एना माटे आपणे जोईए कई रीते वातचीत करी शकाय। लेमड़ा जेटली समान विद्युत भार घनता धरावतो अनंत लंबाई नो तार तमने आकृति एमां दर्शावेल छे। ओ बिंदु ने जो हूँ केन्द्र तरीके लई, ओ थी आर अंतरे पी बिंदु आवेलू होय एने जो वर्तुळाकार घुमावूं तो मने पी सीवायना बिंदुओ पी डेस्क पी डबल डेस्क आवा घणा बधा बिंदुओ मळी शके। आ बधाय बिंदुओ विद्युत क्षेत्र समान हशे, बराबर छे? तो आ बीजा मुद्दानी अंदर ए ज वातनी चर्चा करेली छे। ओने केन्द्र तरीके लईने ओपी त्रिज्या ने पी बिंदुए घुमावता पी पी डेस्क पी डबल डेस्क एवा बिंदु परिक पर मळे। आ दरेक बिंदुए विद्युत क्षेत्र समान मळे। तार अनंत लंबाईनो होवाथी विद्युत क्षेत्र तारनी लंबाई पर पीना स्थान पर आधारित नथी। अने आकृति बीनी जो आपणे चर्चा करिए तो आकृति बीमां आ तार बतावेलो छे। आर अंतरे पी बिंदु बतावेलू छे ने एक नळाकार गौसियन के गाउसियन सपाटी बतावेली छे, बराबर छे? तो एना विषे चर्चा करिए तो कहे तमने आकृति बी में एल लंबाई और आर त्रिज्यानु नळाकार गाउसियन पृष्ठ दर्शावेल छे। आ पृष्ठ गाउसियन सपाटी तरीके लेता नळाकारना छेड़ाओ जो तो आ छेड़ाओ पर अहीं ई सदिश बार तरफ अथवा आ बाजू रही शकाय अने क्षेत्रफळ सदिश नीचे तरफ एटले लंब थशे। तो कहे नळाकारना छेड़ाओ पर ई सदिश लंब ए सदिश होवाथी ते सपाटी माटे फ्लक्स शून्य थशे અને નળાકારની વક્ર સપાટી માટે ક્ષેત્રફળ આપણને ખબર, કોઈ પણ નળાકાર હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ હોય 2πRL। તો ગોસના નિયમ મુજબ ફ્લક્સ પાય બરાબર કહેવાય ક્યુ અપોન એપ્સિલોન 0 બરાબર ઈ ગુણ્યા 2πRL। ક્યુની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ લેમડા ગુણ્યા એલ, તો લેમડા ગુણ્યા એલ અપોન એપ્સિલોન 0 બરાબર ઈ અપોન 2πRL। ઈને સૂત્રના કરતા બનાવી બંને બાજુથી એલ સ્ટેપ આપણે ઉડાડી શકીએ તો લેમડા અપોન 2πε0 અને સદિશ સ્વરૂપમાં આપણે વાત કરીએ તો ઈ સદિશ બરાબર લેમડા અપોન 2πε0 આર અને સાથે આર કેરેટ બતાવી શકાય। આર કેરેટ એટલે પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાંનો એકમ સદિશ છે।